हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो, दिस इज़ कृष्ण नागवंशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंजक्शन पार्ट टू पर बात करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बिकॉज और बिकॉज ऑफ के जो मुझे आपको बताना है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, आपको सेंटेंस में बिकॉज मिले या जस्ट बिकॉज मिले, दोनों की एक ही हिंदी होती है क्योंकि। यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह आपको बिकॉज ऑफ या ड्यू टू या ओइंग टू, अगर आपको कहीं भी बिकॉज ऑफ की जगह ओइंग टू भरना हो तो भी सही है, ओइंग टू की जगह ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ भरेंगे तो आपका सही होगा। यानी बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू की हिंदी जो निकलती है के कारण, की वजह से। यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी आपको बिकॉज या जस्ट बिकॉज या एज या सिंस, सिंस की हिंदी क्या निकलती है, चूंकि, इसलिए, इसी तरह एज की भी निकलती है क्योंकि। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब बिकॉज, जस्ट बिकॉज, एज या सिंस का जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ देयर फोर, सो, हैंस, दैट्स वाई, इसकी हिंदी क्या होती है, इसलिए, नहीं यूज होगा। क्या होगा? नहीं यूज होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आप बिकॉज, जस्ट बिकॉज, एज या फिर सिंस का यूज़ करेंगे तो इनके बाद क्या आना चाहिए, सेंटेंस आना चाहिए। यानी जस्ट बिकॉज, बिकॉज, एज, सिंस के बाद क्या आएगा, सेंटेंस आएगा। और सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी एक किसी भी सेंटेंस को आप जब आप देखोगे तो क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होगा। किसके बाद, बिकॉज, जस्ट बिकॉज, एक ही है दोनों, एज और सिंस के बाद आपको क्या मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा जो कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के रूप में होगा। फिर इसके बाद आपको यदि मिलता है देयर फोर, सो, हैंस, दैट्स वाई, तो आपको यूज़ नहीं करना है। और एग्जामिनर इन वर्डों के साथ, इन कंजक्शन के साथ आपको ये वर्ड ज़रूर लिख के देंगे। क्यों? क्योंकि इनके साथ इसलिए कि जो हिंदी होती है ऑलरेडी निकलती है, बिकॉज के साथ इसलिए जुड़ा होता है, और इसलिए की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एज के साथ सो नहीं आएगा, बिकॉज या जस्ट बिकॉज के साथ देयर फोर, सो, हैंस, दैट्स वाई नहीं आएगा, सिंस के साथ भी देयर फोर, सो, हैंस, दैट्स वाई यूज़ नहीं होगा। जैसे ही आपको वर्ड मिलेगा बिकॉज, एज, सिंस और सेंटेंस मिलेगा, और सेंटेंस के बाद जब दूसरा सेंटेंस होगा तो उसकी जगह आप, उसकी जगह क्या लिखा, कॉमा की जगह ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आपको उसको एरर मानना है। क्या मानना है? एरर मानना है। अब चलिए बात करते हैं बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू का जब आप यूज़ करोगे तो ये सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, यानी ये सेंटेंस में फ्रेज के रूप में यूज होंगे। और बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू आप सेंटेंस के अंदर यूज़ करोगे कब, जब वर्ड्स हो या फिर फ्रेज हो, शब्द हो या फिर शब्दों का समूह हो, या फिर सिंगल वर्ड हो, केवल एक शब्द हो, तो वहाँ किसको यूज़ करना है आपको, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू या फिर ड्यू टू का यूज़ करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, बिकॉज, जस्ट बिकॉज, एज या फिर बात करें सिंस, इनका यूज़ आप सेंटेंस के साथ करोगे, यानी सेंटेंस के पहले ही आएगा, फिर सेंटेंस होगा, फिर इसके बाद कॉमा लगेगा, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। अगर कॉमा की जगह सो आ जाए, देयर फोर आ जाए, दैट्स वाई आ जाए, हेंस आ जाए, तो वो एरर होगा। इसी तरह बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू ये सेंटेंस के अंदर यूज होगा, किनके साथ, वर्ड्स के साथ, फ्रेज के साथ और सिंगल वर्ड के साथ यूज होगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल जहाँ आपको बिकॉज या फिर बिकॉज ऑफ का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं, रवि कैन नॉट हेल्प अस डैट डैस ही डज नॉट हैव मनी। अब यहाँ आपको बिकॉज या बिकॉज ऑफ का यूज़ करना है, तो देखिए ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, और मैंने आपको बताया था कि बिकॉज या फिर बिकॉज ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं। बिकॉज का यूज़ हम करते हैं जब उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस हो। तो यहाँ आपको बिकॉज या बिकॉज ऑफ यूज़ करना है, तो देखिए यहाँ क्या है, ही डज नॉट हैव मनी, ये प्रॉपर क्या है, एक सेंटेंस है, तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे हम, बिकॉज का।
ओके. नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, दैट डैश ही वाज अब्सेंट ही वाज फेल. देखिए ही वाज अब्सेंट ये भी क्या है, एक प्रॉपर सेंटेंस है, तो यहाँ किसका यूज करोगे आप, बिकॉज का. ओके फिर देखिए, द बॉस डिड नॉट टॉलरेट दिस मैनेजमेंट दैट डैश द अब्सेंस ऑफ मेनी फैक्ट, द अब्सेंस ऑफ मेनी फैक्ट. अब यहाँ पास आपको ये देखना है कि बिकॉज है, बिकॉज आपका यूज़ तो करना है, लेकिन देखेंगे द अब्सेंस ऑफ मेनी फैक्ट क्या है, एक सेंटेंस का हिस्सा है. सेंटेंस का क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है, एक फ्रेज है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है. तो हमें यहाँ किसका यूज़ करना है, बिकॉज ऑफ का. और यदि आप इसके हिंदी निकालोगे तो क्या हिंदी निकलेगा, द बॉस डिड नॉट टॉलरेट दिस मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ मेनी फैक्ट. जो बॉस है वह मिसमैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता है बहुत सारे फैक्ट की कमी के कारण. तो मतलब जो बॉस है वो मिसमैनेजमेंट नहीं बर्दाश्त करता है, कर सकता है, नहीं किया जो जो फैक्ट का अब्सेंस के कारण. इस तरह आप हिंदी निकाल सकते हो. आप हिंदी नहीं भी, टूटी फूटी हिंदी निकाले, इट्स ओके. अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि बिकॉज का यूज़ हमें सेंटेंस के बाद करना है, और बिकॉज ऑफ का यूज़ सेंटेंस के अंदर करना है कि कोई वर्ड हो या फिर सिंगल वर्ड हो या फिर फ्रेज हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये दो मैंने सेंटेंस लिए हैं, इनमें गलतियाँ हैं जो आपको ढूंढना है. बिकॉज यू केम लेट देयर फोर द टीचर इज कॉल्ड यू, क्योंकि तुम लेट आए थे इसलिए टीचर ने तुम्हें डांटा था. जैसे ही आपने देखा बिकॉज, और बिकॉज के साथ आपने देखा देयर फोर, क्या देखा, देयर फोर, तो बिकॉज के साथ देयर फोर का यूज नहीं होगा. देयर फोर की जगह हेंस भी आ जाए, सो भी आ जाए, दैट्स वाई आ जाए, तो भी हम उसका यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट देखिए, एज इट इज रेनिंग सो आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए मैं ऑफिस, अपनी ऑफिस नहीं जा पाऊंगा. तो यहाँ देखिए एज आ गया है, और मैंने आपको बताया था एज के साथ भी यदि सो आ रहा है तो आप यूज़ नहीं करोगे, और इस सो की जगह हेंस भी आ सकता है. तो आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज हो या फिर सिंस हो या फिर एज हो, उसके साथ देयर फोर सो हेंस का यूज़ हम नहीं करते हैं. कुछ कॉन्सेप्ट और हैं जो मुझे आपको बताना है, चलिए आगे बात करते हैं. कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स, यदि आपको सेंटेंस में द रीज़न वाई मिले या द रीज़न मिले, जैसे आपने बिकॉज का यूज़ किया था उसी तरह आपको द रीज़न वाई मिले या फिर द रीज़न मिले, और उसके साथ यानी इससे सेंटेंस की शुरुआत होगी, द रीज़न वाई से, द रीज़न से, और फिर सेंटेंस की शुरुआत के बाद जब आपको दूसरा सेंटेंस मिलेगा और उसकी जगह देयर फोर सो हैंस दैट्स वाई लिखा हो, तो उनको एरर माना जाएगा, उनको आपको एरर मानना है. यानी द रीज़न वाई और द रीज़न के साथ देयर फोर सो हैंस दैट्स वाई का यूज़ नहीं करते हैं, द रीज़न वाई और द रीज़न के साथ हमें दैट का यूज़ करना है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि द रीज़न वाई द रीज़न के साथ आपको दैट का यूज़ करना है, ना कि इनका यूज़ करना है. यदि सेंटेंस में इनका यूज़ हो रहा है तो वो एरर है जो कि गलत माना जाएगा. चलिए दो एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. द रीज़न वाई ही केम लेट वॉज बिकॉज ही वॉज इल, उसके लेट आने का जो कारण था क्योंकि वह बीमार था, ऐसा सेंटेंस दिया है. आपने जैसे ही देखा कि द रीज़न वाई आया है, तो मैंने आपको बताया था द रीज़न वाई के साथ हम दूसरे वाले सेंटेंस में दैट का यूज़ करते हैं, या दैट के अलावा बिकॉज आ जाए, बिकॉज मैं भूल गया था बताना, उसको भी आप नोट कीजिए, बिकॉज आ जाए, देयर फोर आ जाए, सो आ जाए, हैंस दैट्स वाई आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको एरर मानेंगे. तो इस बिकॉज की जगह हमें किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है. अब सेंटेंस सही होगा, द रीज़न वाई ही केम लेट वॉज दैट ही वॉज इल, उसके लेट आने का जो कारण था वह कि वह बीमार था. नेक्स्ट देखिए, द रीज़न ही लॉस्ट द मैच इज बिकॉज ही डिडंट पे वेल, उसके मैच हारने का जो कारण था क्योंकि वह अच्छा नहीं खेला. लेकिन जैसे ही आपने देखा कि द रीज़न दिया है, तो द रीज़न के साथ हमें बिकॉज या दैट्स वाई नहीं लेना है, इसके जगह हमें किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है. अब आप इसकी हिंदी मीनिंग भी निकालोगे ना, तो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा. द रीज़न ही लॉस्ट द मैच इज़ दैट ही डिड नॉट प्ले वेल, कारण उसके मैच हारने का यह था, यह है कि वह अच्छा नहीं खेला.
तो इसकी हिंदी भी निकलेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना था, बिकॉज ऑफ का। बिकॉज की जगह आप जस्ट बिकॉज का भी यूज़ कर सकते हैं, और बिकॉज ऑफ की जगह आप ओइंग टू या ड्यू टू, इनकी सेम मीनिंग निकलती है। बस ध्यान ये रखना है कि ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ फ्रेज के साथ या वर्ड या सिंगल वर्ड के साथ यूज होते हैं, किसी सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं। बट बिकॉज के बाद सेंटेंस की शुरुआत होती है, और जब सेंटेंस की शुरुआत होगी और इसके साथ दूसरा सेंटेंस जो आप कनेक्ट करोगे उसके साथ देयर फॉर, दैट्स वाई, ये सारे वर्ड्स नहीं आने चाहिए। इसी तरह सिंस के साथ, एज के साथ भी जब आप यूज़ करोगे तो दूसरा सेंटेंस में आप सो, दैट्स वाई, इन सबसे उस सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करोगे। सो फ्रेंड्स, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।